सभी साथियों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं उचियाणा मंडी के जो आपको मस्जिद पीछे दिखाई दे रही है, पूरा खटखड़ टोल प्लाजा की जो कमेटी थी किसान आंदोलन में, जो किसान थे वो भी पूरा पहुंच रहे हैं। आज जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन रोज़ा रख रहे थे, उनका जो रोज़ा है खुलवाया गया, जैसे हम व्रत रखते हैं उसी प्रकार आज उनका भी व्रत खुलवाया गया है। तो सारी बातचीत करांगे कि कुछ मामला था, क्योंकि अभी देखो काफ़ी चर्चा में चल रहा है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रहा है, और अभी दिल्ली में भी थोड़ी बात चली थी कि भाई हिंदू मुसलमाना का भी रोड़ा हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, उन पर बातचीत करांगे। ये कौन लोग हैं जो ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो सारी बातचीत हम पूरा करांगे। तो खटखड़ टोल प्लाजा जो कमेटी है और किसान है जो उचियाणा धरना पे थे वहाँ भी पहुँच रहे हैं, जो मस्जिद है उचियाणा की, तो उनसे बातचीत करांगे। आज का के कुछ प्रोग्राम है, खेड़ा खाप के प्रधान सतवीर पहलवान जी हैं, उनसे भी बातचीत करांगे, जो खटखड़ टोल प्लाजा था उसके संयोजक रहे हैं, किसान आंदोलन में भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और साथ में काफ़ी महिलाएँ भी आई हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो बातचीत करांगे। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई राम। प्रधान जी आज का के कुछ कार्यक्रम था भाई? आज हमारी मस्जिद में, उचियाणा मस्जिद में रोज़ा चला हुआ है, और रोज़ा खुलवाना था, और सामाजिक सद्भावना मंच भी बना है, और हम इन भाइयों के पास आए हैं ताकि इनके दुख दर्दा में शामिल रहें, और हमारा देश प्रदेश एक हो, यानी सभी धर्म जातियां मजहब सब एक हो। हम नहीं चाहते हमारा देश में किसी भी किस्म की फूट हो, फूट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। प्रधान जी आज आप पहुँचे हो, किस तरह का के संदेश जाओगे इस तरह के हिंदू मुसलमान इकट्ठे हैं? इस तरह का संदेश तो किसान आंदोलन में जा चुका है, लेकिन ईब हम एक दूसरे की दलील पर जाकर ये संदेश देंगे कि भाई हम सब भाई हैं, जो लोग संदेह मुद्दों के लिए अपनी संदेह फायदे के लिए हमारे समाज को जो तोड़े हैं, उनको हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे समाज में कितनी ताकत है, राजनीति लोगों धर्म कितनी ताकत है, हमारी वजह से तुम ऊपर जाते हो और फिर हमारा भाईचारा तोड़ते हो। खुद सोचना चाहिए सरकारों ने, भाईचारे जोड़ने चाहिए इन्हें, तो ये भाईचारे तोड़े और हम भाईचारा जोड़ा, दे मुकाबला तो उरे नहीं कर दिया हमारा, लेकिन ये समाज है छत्तीस बिरादरी का, सारे धर्मों का मजहबों का, ये कभी टूटेगा नहीं। भारतवासी भारतवासी है, जो भारत की धरती पर जन्म ले लिया वो भारतवासी रहेगा, क्योंकि सेना में भी कोई ये नहीं पूछता टोपी वाला कौन है, वर्दी वाला पैंट वाला कौन है, कौन मजहब है, पुलिस में भी नहीं ये पूछता। हम मिलके इस देश को हमारा समाज चलाओगा। हिंदू मुसलमान में कहीं ना कहीं नू देखा भाई, रोज़ कड़ी कड़ी तो खबर आए जाए है कि हिंदू मुसलमान ही लड़ाई होगी, तो इस तरह के दंगे के भी आवे, दिल्ली में भी दंगे हुए हैं, तो पत्थरबाजी भी हुई, उसको लेकर क्या कहोगे प्रधान? ये राजनीति स्टैंड होता है, ये हमेशा तबलीगी बताना, मुसलमान हिंदू करना, पटेल करना, मराठे करना, ये सिर्फ राजनीति स्टैंड है, राजनीति लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आगे ईशान नहीं होगा कि वह राजनीति हमारे बीच में कोई आगे फायदा उठाएगा। और हम तो आपका चैनल से एक संदेश देते पूरे देश को, इस देश में धर्म निरपेक्ष देश है, अगर गांव में एक भी मजहब का घर है उसको 100 ग्राम की पूरी ताकत मिलती है, कोई इस देश में किसी को खतरा नहीं, देश सही ढंग से चलेगा। अगर राजनीति के लोग ठीक रहें तो देश में कोई कमी नहीं, हमारा भारत देश महान है, ऋषि मुनियों का देश है, और ये सोने की चिड़िया देश थी, हम दोबारा सोने की चिड़िया और ऋषि मुनियों का देश बनाएंगे। प्रधान जी भिन्न भिन्न जाति और भिन्न भिन्न धर्मों का देश है, लेकिन कुछ लोग नु कहे जाए हिंदू राष्ट्र बनावांगे, तो उसको लेके क्या कहोगे? हिंदू राष्ट्र बनावांगे, हिंदू राष्ट्र बनावा भाई, वही तो लोग हैं, ये एक दूसरा कह देगा मुसलमान राष्ट्र बनावांगे, तीसरा कह देगा सिख राष्ट्र बनावांगे, ये इनकी यही तो चाल है राजनीति के लोगों की। हमारा भारत देश है, इंडिया है, यो देश है, भारत हिंदुस्तान है, इसमें सब मुसलमान हिंदू सिख ईसाई और भाई भाई हैं, सब कुछ एक है, सब कुछ एक रहेंगे और रखेंगे, हमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। हमारे देश में ये जो भारत की धरती में मिट्टी में पैदा हो गया वो देश के लिए लड़ेगा और मरेगा,
लेकिन राजनीतों की लोगों की चाल ही लोग समझ गए। ठीक है प्रधान, सिक्किम से क्या कुछ कहना चाहोगे? आज उरा पहुंचे हो, मातृशक्ति पहुंच रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है जहां मस्जिद में खुद महिला, मुस्लिम जो महिला वह नहीं आती, पर आज हिंदू महिला एक मतलब मस्जिद तक पहुंची है। तो यह अब सबसे बड़ी मतलब एक खुशी की बात है। जो सरकार है वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके ना आप में फूट डाला है, फूट डाल कर ना राज करना चाहवा है। और आम सरकार तो हमने तोड़ना चाहवा और आम जोड़ना चाहवा, मतलब सरकार जितने हमारे पर दंगे करवाओगी नहीं, उल्टे से उल्टे काम करेगी, हम उतना ही एक इंकलाब का एकता का मतलब संदेश देवांगे। ये कोई हिजाब ने ले काम है, कदे घूंघट ने ले काम है, पर आज हम सरकार ने कहना चाहवा हम हिंदू हाँ, पर हिंदू होने के साथ साथ हम देखो आज मुस्लिम एक मतलब हमारी मस्जिद के अंदर आया कहना, हम अपने भाई अपने भाईचारे के साथ एक एकता का संदेश देना चाहवा, ताकि सरकार ने यह बात बताया इसका कि आप कितना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फूट डालो राज करो का संदेश देते रहो, पर हम भाईचारे का पैगाम करके इस हिंदुस्तान को एक गुलदस्ता बनाकर जैसे हमारे भगत सिंह के सपनों का जो देश था उसके ऊपर हम ऐसे ही काम करते रहेंगे और इस देश में अमन चैन बढ़ता रहेगा। होली और दिवाली और यहाँ जो हमारे ईद है इकट्ठी मनाई जाएगी, ताकि इस जो हमारा सरकार है जो ये निक्कर वाले की जो सरकार है हम इनको ये संदेश दे पाए कि हम आज भी एक थे, कल भी एक थे और आगे भी एक रहेंगे 2024 तक। जब तक इसको हम इस कुर्सी से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक हमें एकता का संदेश देकर इस देश को बचाए रखना है, क्योंकि आज हमारा देश सड़क के ऊपर है, भूखभरी में 101 पे है और हमारी जो मतलब जो विकसित देशों में तो हमारी के कर नामे देश का मिट लिया, तो देश तो इतनी बुरे हालात में है जिसकी हम कह नहीं सकते। तो हमारा एक के संदेश है, आज हम रमजान के मौके पर एक अपनी मस्जिद के अंदर उचाने की मस्जिद के अंदर हम आए हैं, साथ में हमने रोजा खोलिया है और साथ में हमने अपने भाईचारा का पैगाम दिया और इस सरकार को बताना चाहा भी आप फूट डालो राज करो और हम भाईचारा का पैगाम लेकर एकता के साथ आपका मुकाबला करने के लिए मैदान में खड़े हैं। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा है, सुनो बेंद्र हमने प्रॉम किया बेंद्र साथ आ जाओ। ठीक है, एक मिनट नहीं आप नहीं वही वही आ जाओ, एक मिनट बोल दो। आप जो आज का प्रोग्राम है हिंदू धर्म से काफ़ी लोग पहुंचे हैं, भाईचारा की एकता दिखी है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखो ये तो बहुत खुशी की बात है, सरकार हमें बांटने का काम कर रही है और समाज आपस में मिलने का काम कर रहा है। ये कुछ असामाजिक तत्वों के लोग हैं, जैसे आप दिल्ली के अंदर देखोगे जहांगीर नगर में मुस्लिम समुदाय के लोगों को वो 20-20 साल से 25-30 साल से रह रहे थे, उनको पर बलडोजर चला दिया बगैर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। ये तो ये सरकार है, सरकार की साजिश है और समाज एक दूसरे मिल के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है और सरकार बांटना चाहती है हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, इसकी चाली के बांटो और राज करो। ये देखो ये तो चिंगारी है, आज जो रोजा इफ्तार पार्टी हुई हमारे हिंदू समाज की तरफ से और सद्भावना तो मंच है जो उसकी तरफ से, ये चिंगारी किसान आंदोलन में चली थी। देखो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन ये किसानों का आंदोलन था, इन्होंने बहुत बड़ा स्टैंड ले लिया क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मंच पर खड़े हो गए थे, आपका पूरा सहयोग रहा, आपने बार बार कवर किया कि आप लोग आए हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि हम एक भाईचारा कायम करना चाहते हैं और सरकार भाईचारे को ख़त्म करना चाहती है, इस देश को बांटना चाहती है। और जो आज इकट्ठे इससे संदेश क्या जाएगा? देखो आम लोगों में संदेश यह जाएगा कि भाई मिल के रहो, मिलने में ही फायदा है, वो नारायणा फूट डालो राज करोगे, राज वो करेंगे और आपस में बुराइयां समाज में फैलेंगी, हम मर मर जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि हमारा तो मिलना जुलना आपस में प्यार मोहब्बत से रहना, घर में घर टच है, दीवार के दीवार है, दुकान के दुकान टच है, ब्याह में, शादी में, गमी में, खुशी में साथ रहना है। तो ये संदेश हम देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हम सब मिल के रहें। ठीक है, दैया साहब है और रामफल दैया जी, इनसे बातचीत क्या कुछ कहना चाहोगे जी? आप सद्भावना जो आपका संगठन उससे पहुँचे हो? मैं सामाजिक सद्भावना मंच से हूँ, वास्ती हूँ रामफल दैया। आज हमने जो आयोजन किया है, नफरत के दौर में आओ अमन की बात करें, और अमन की बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश जो है नफरत के दौर में ले जा चुके हैं। हम चाहे जहांगीरपुर का मामला हो चाहे दूसरे मामले हो, सरकार और बहुत सारी मशीनरी लगी हुई है देश को बांटने में। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस मौके पे, आगे धर्म जो है
उसकी इबादत या पूजा करनी है अपने धर्मस्थल में या घर पे कीजिए, उसका प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो प्रदर्शन करते हैं धर्म का, सड़कों पर लेके आते हैं, ये दंगे करने के लिए होते हैं, ये धर्म नहीं, ये सांप्रदायिकता है। धर्म और सांप्रदायिकता के बीच के अंतर को हमें समझना होगा, और सड़क पर लेके आने की ज़रूरत नहीं है धर्म को। धर्म केवल अपने पूजा स्थल पर या घर पर और अपनी इबादत करो या पूजा करो, उसमें भगत और भगवान के बीच में किसी एजेंट की, किसी दलाल की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं और इस मौके पर कहते हैं, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो वो जो लोग हैं जो प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो ताजिया निकालते हैं, चाहे वो दूसरी शोभा यात्रा के नाम से दंगे फैलाना चाहते हैं, उनका क्रिटिसाइज करते हैं हम, उनका कड़े से शब्दों में निंदा करते हैं हम। और हम ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल हम मिलके रहेंगे और मिलके होली मनाएंगे और मिलके ईद मनाएंगे। हमने जींद में होली मिलन समारोह एक मस्जिद में मनाते हैं हर साल, और रोज़ा इफ्तार पार्टी हम तैयार कर चुके हैं, और इसके साथ ईद जो हम मनाएँगे बिल्कुल सभी समुदाय के बीच में हम मनाएंगे। ईद पे कोई ऐसा दूसरी तरह की कहानी नहीं है, अब किसी उसको मार दिया था या राजा ने दूसरा युद्ध कर लिया, ऐसा नहीं है। ईद का मतलब होता है लोगों को मिलना, और रमज़ान का जो महीना पवित्र माना गया है, इसमें लोग अपनी ज़कात देते हैं ताकि गरीबों का भला हो, 2.5% निकालते हैं इसमें। देखिए ऐसा है, हम जैसे जो साइंटिफिक नज़रिया रखने वाले लोग हैं, हम केवल हमारा ये समझ यही है कि हम कौमी एकता पे काम करते हैं। ठीक है जी।